बसमिल स्टूडेंट्स आज का हमारा जो टॉपिक है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस द बिहेवियर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस कैन बी थ्योरेटिकली एक्सप्लेन यूजिंग द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी जब गैसेस के बिहेवियर और प्रॉपर्टीज़ की बात आती है तो वो हम थ्योरेटिकली किस थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर सकते हैं वो थ्योरी है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो के एम टी वॉज़ फर्स्ट पॉस्टुलेटेड बाई डैनियल बर्नॉली सो बर्नॉली वॉज द फर्स्ट साइंटिस्ट जिसने के एम टी जो थी वो उसके पॉस्टुलेट्स दिए थे के एम टी वॉज एलेबरेटेड एंड एक्सटेंडेड बाई अ नंबर ऑफ वेल नोन फिजिस सच एज जेम्स मैग्जेल एटीन फिफ्टी नाइन हु गेव लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फिलासफीज मैग्जवल की जहाँ पे नाम आता है वहाँ पर हमारे माइंड में लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटीज आ जाता है और बोल्ट्समैन 1870 में हु स्टडीड लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ एनर्जीज तो बेसिकली के को एलेबरेट और एक्सटेंड यानी एक्सप्लेन जो किया था वो मैगजवेल और बोल्ट्समैन ने किया था इन 1857, फिफ्टी सेवन क्लाजियस डिराइव द कैनैटिक इक्वेजन एंड डिड्यूज ऑल द गैस लॉज फ्रॉम इट क्लाजियस वॉज द साइंटिस्ट हु डिराइव्ड equation, kinetic equation from the kinetic molecular theory postulates. ab hum fundamental postulates dekh lete hain kmt ke first postulate kya hai Every gas consists of a large number of very small particles called molecules. Gases like helium, neon, argon have monatomic molecule. हर gas जो है ना उसमें हमारे पास बहुत से small particles होते हैं, उन particles को हम क्या बोलते हैं molecules. कुछ गैसेस जो हैं वो मोनो अटामिक मालिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जैसा से नोबल गैसेस ये देखें हीलियम नियॉन आर्गन ये क्या है नोबल गैसेस उसके बाद हम बात करते हैं रैंडम मूवमेंट की गैसेस के मालिक्यूल जो हैं वो रैंडमली मूव करते हैं द मालिक्यूल्स ऑफ गैस मूव रैंडमली कोलाइडिंग अमांग दम सेल्स एंड विद द वॉल्स ऑफ द कॉन्टेनर एंड चेंज देयर डायरेक्शन ये देखें ये अगर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये रैंडमली मूव करेंगे और अपनी डायरेक्शंस भी चेंज करते हैं ड्यूरिंग देयर मूवमेंट रैंडम का मतलब है बेतरतीब और कोलाइडिंग का मतलब क्या है कि वो आपस में भी टकराते हैं और जिस कंटेनर में उन्हें रखा जाता है ना उसकी वॉल्स के साथ भी वो कोलाइड करते हैं या टकरा रहे होते हैं प्रेशर ऑफ गैस गैसेस जो हैं दे सम प्रेशर अब वो प्रेशर क्या है पी जो होता है देखिए फोर्स पर यूनिट एरिया है तो यहाँ पे द प्रेशर एग्जर्टेड बाई गैस इज ड्यू टू कोलिजन ऑफ इट्स मॉलिक्यूल्स विद द वॉल्स ऑफ द कॉन्टेनर दीज कोलिजन आर परफेक्टली इलास्टिक अब जो प्रेशर गैस एग्जर्ट कर रही है वो फोर्स पर यूनिट एरिया वो जो गैस मालिक्यूल्स है ना वो कोलाइड करते हुए क्या लगा रहे हैं फोर्स पर यूनिट एरिया अब इलास्टिक क्या मतलब है कि टोटल कैनेटिक एनर्जी रिमेन्स कॉन्स्टेंट लार्ज स्पेसिस अमंग गैस मॉलिक्यूल्स अब होता क्या है कि एट रेलेटिवली लो प्रेशर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर वाइडली सेपरेटेड फ्रॉम वन एंड अदर हम जब लो प्रेशर पे गैस मॉलिक्यूल्स को स्टडी करते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान बहुत ज़्यादा डिस्टेंस होता है वो वाइडली सेपरेटेड होते हैं यानी उनके दरम्यान बहुत ज़्यादा स्पेसेस होती हैं दे आर सफिशेंट एम्प्टी स्पेसेस अमंग एमान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट द मालिक्यूल्स ऑफ द गैस हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फॉर ईच अदर उसकी रीज़न क्या है चूँकि वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फासले पर होते हैं तो इसलिए उनके दरम्यान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होती है निगलिजिबल होती है उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉस्टुलेट की जो कि हमारे पास क्या आ जाता है वॉल्यूम ऑफ गैस द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस इज निगलिजिबल एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस अब यहाँ पे अगेन हम बात कर रहे हैं कि जी वॉल्यूम जो है वो एक्चुअल वॉल्यूम वो निगलिजिबल है उसकी रीजन क्या है अब गैस को जिस कंटेनर में भी रखेंगे ना उसके मॉलिक्यूल्स वो तमाम एरिया ऑक्यूपाई कर लेंगे अब चूँकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेसेस बहुत ज़्यादा होती हैं इसलिए उनका जो वॉल्यूम है एक्चुअल वॉल्यूम वो निगलेजिबल हो जाता है एज कम्पेयर टू द वॉल्यूम ऑफ़ द गैस मोशन बाय ग्रेविटी में हम ये देखते हैं कि देखें ग्रेविटी ऑल द थिंग्स आर मूविंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी तो गैस मॉलिक्यूल्स का जो मोशन है मूवमेंट है वो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट निगलिजिबल होता है एज कम्पेयर टू द इफेक्ट ऑफ कॉन्टीन्यूड कलीजेंस बिटवीन दैन रीज़न क्या है रीज़न ये है चूंकि रैंडमली मूव कर रहे हैं गैस मॉलिक्यूल्स तो इसलिए उन उनपे जो ग्रेविटी का इफेक्ट आएगा वो कम होगा रिलेशन बिटवीन कानाटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉस्टूलेट है जो कि हमें कानेटिक एनर्जी और टेम्परेचर के दरमियान रिलेशनशिप बताता है द एवरेज कानेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स वेरीज डायरेक्टली एज एब्सोलूट टेम्परेचर ऑफ द गैस यानी के ई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के यानी कैनेटिक एनर्जी अगर बढ़ रही है मॉलिक्यूल्स की तो इसका मतलब है भी इंक्रीज हो रहा है उसके बाद जी हमारे पास आ जाता है इक्वेशन का एक्सप्रेशन यानी कैनेटिक इक्वेजन आरजे क्लोजिय ने यहाँ पे आर इक्वेशन दी थी डिड्यूस किया था उसने एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस फ्रॉम द पॉस्टुलेट्स ऑफ कैनेटिक मॉलिक्यूलर थे वो एक्सप्रेशन क्या है जी प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंडल टू वन बाई थ्री एम एन सी स्क्वे बार मैथमेटिकली ये कर्नाटक इक्वेशन है जहां पे P क्या है प्रेशर V क्या है वॉल्यूम m स्मॉल m है ये मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ द गैस n क्या है ये वाला n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस सी स्क्वे बार ये आपके लिए एक न्यू टर्म है स्टूडेंट्स ये क्या है जी मीन स्क्र वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अब ये जो मीन स्क्वेयर वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स की ये एक इम्पॉर्टेंट आइडिया है या इम्पॉर्टेंट किस लिए है कि सिंस द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस अंडर द गिवन कंडीशन डू नॉट हैव द सेम वेलोसिटी सो मीन स्क्र वेलासिटीज़ कंसिडर अब जो गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके तमाम मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटीज बराबर नहीं होती रादर वेलोसिटीज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग गैस मॉलिक्यूल यही मैगजल लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी था कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उनकी डिफरेंट वेलोसिटीज़ हैं इसी वजह से हम यहाँ पे सिंपल वेलोसिटी की जगह मीन स्क्वायर वेलोसिटी का आइडिया लेते हैं इफ़ एन वन मॉलिक्यूल है वेलासटी सी वन एन टू मॉलिक्यूल्स है वेलोसिटी सी टू दैन वी कैन राइट डाउन द मैथमेटिकली मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये क्या हो जाएगी जी एन वन सी वन स्क्वायर प्लस एन टू सी टू स्क्वायेर प्लस एन थ्री सी थ्री स्क्र प्लस हम एन फोर भी ले सकते हैं इसीलिए हमने ये डॉटेड लाइन लगाई है मतलब कंटिन्यू है ये डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी एन वन प्लस एन टू प्लस एन थ्री ये किसके इक्वल होता है एन टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के वेयर सी स्क्वायर बार इज द एवरेज ऑफ ऑल द पॉसिबल वेलोसिटीज व्हेन वी टेक द स्क्वायर रूट ऑफ सी स्क्वायर बार यानी मेन स्क्वायर वेलोसिटी का अगर हम ले जाएं तो वो क्या बन जाती है वो कहलाती है यानी हमने ले लिया किसके है टी क्या है जी टेम्परेचर है, है? है ये जो रूट मीन वेलोसिटी वाली इक्वेशन है बेसिकली दिस इक्वेशन इज अ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेजन हायर द टेम्परेचर ऑफ अ गैस ग्रेटर द विलॉसिटीज तो ये यहाँ पर आपने मीन स्क्र विलासिटी का कॉन्सेप्ट भी ले लिया और रूट मीन स्क्वायेयर विलासिटी का भी अब कैनेटिक इक्वेजन जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं गैस लॉस को एक्सप्लेन करने के लिए फ्राम कनेटिक थेरी इसमें हम सबसे पहले जो है ना वो बॉयल्स ला देखेंगे बोयल जला जो है स्टूडेंट्स वो बॉयल्स ला जो मैथेमेटिकल फॉर्म आ जाती है बॉयल्स की बेसिकली हमने क्या प्रूव करना है कि पी वी इज इक्वल टू के यानी कॉन्स्टेंट के बराबर है अब कॉनेटिक मोलिकुलर थेरी का वन पॉस्टुलेट क्या कहता है जी कनेटिक एनर्जी जो है वो प्रोपोर्शनल है एब्सुलट टेम्परेचर ऑफ द गैस के अब कैनेटिक एनर्जी क्या होती है कॉनैटिक एनर्जी देखें हम कहते हैं कनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वे अब यहां पे देख लें आप के बेसिकली हम बात कर रहे हैं चूंकि वी जो हमने कहा है कि गैस मॉलिक्यूल्स की जो वेलोसिटी होती है वो मीन स्क्वायर वेलोसिटी है तो यही एक्सप्रेशन फिर क्या हो जाएगा हाफ एम सी स्क्वायर बार अब यहाँ पे आप ये देखें कि कनेटिक एनर्जी ऑफ एन मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगी एन मॉलिक्यूल्स जो होगी ना वो हो जाएगी हाफ एम एन सी स्क्वेर बार तो ये कैनेटिक एनर्जी है अब एक पॉस्टुलेट अभी हम ऊपर देख के आए हैं कि कैनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के इसका मतलब है कि हाफ एम एन सी स्क्वेयर बार डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के टेम्परेचर बढ़ेगा कैनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी अब यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू कनेटिक इक्वेशन ये कहते हैं कि पी वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन सी स्क्वायर बार इसे हम इक्वेशन वन कर लेते हैं ये जो है हमारा ये वाला एक्सप्रेशन इसे फाइनलाइज फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे हाफ एम एन सी स्क्र बार इज इक्वल टू के टी तो ये हमारी इक्वेशन वन कर लेते हैं इसे हम और ये पी वी इज इक्वल टू वन बाई थ्री एम एन सी स्क्वा बार ये हमारी हो गई टू अब यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये जो हमारी राइट साइड है ये वाली राइट साइड इक्वेशन की इसे हमने मल्टीप्लाई भी करवाना है और डिवाइड भी करना है टू से तो मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाते हैं तो क्या हो जाएगा टू बाई टू वन बाय थ्री एम एन सी स्क्वायर बार अब हम इसे एक जनरलाइज्ड फॉर्म देते हैं जब तो जनरलाइज फॉर्म देने में हम क्या करते हैं जी टू बाय थ्री को हम बाहर कर लेते हैं ये टू नीचे वाला अंदर ले जाते हैं तो वन बाय टू एम एन सी स्क्वायर बार हो जाएगा बेसिकली ये करने का पर्पज क्या है कि हमने ये काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस करवाना था को रिलेट किया है हमने कानेटिक एनर्जी को कानेटिक इक्वेशन के साथ तो यहाँ पे आप देखें कि वन बाई टू एम एन सी स्क्वेयर की जो वैल्यू है हमारे पास वो क्या है के टी तो हम पुट कर सकते हैं टू बाय थ्री के टी हो जाएगा ये तो यहाँ पे अगर हम देखें कि टेम्परेचर हमारे पास हम टू बाय थ्री के टी जो है वो लेते हैं कॉन्स्टेंट टेम्परेचर हम कहते हैं कि जी कॉन्स्टेंट है सो टू बाय थ्री के टी हमारे पास एक न्यू कॉन्स्टेंट आ जाएगा के प्राइम तो हम क्या कहते हैं कि पी वी इज इक्वल टू के प्राइम तो यही आप देख लें कि हमारी फॉर्म है वेरीफाइड फ्रॉम कैनेटिक इक्वेजन नेक्स्ट लेक्चर्स में हम चार्ल्स लॉ एवेटर को भी वेरीफाई करेंगे कैनेटिक्वेजन के लिए की, uh, से रिलेट करके आज के लिए बस इतना